हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम देखेंगे हाउ टू यूज़ टपल इन पाइथन, कि पाइथन के अंदर टपल को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है या किस तरह से उसको क्रिएट किया जाता है, उसके जो एलिमेंट हैं उसको किस तरह से एक्सेस कर किए जाते हैं और साथ में उसमें कौन कौन सी मेथड्स यूज़ करते हैं, और ये भी देखेंगे कि उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। पाइथन टपल ए टपल इज ए कलेक्शन ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय कॉमास। एक टपल पाइथन ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होती है जिसको कि हम कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं। ए टपल इन पाइथन इज सिमिलर टू ए लिस्ट। पाइथन के अंदर टपल लिस्ट के समान होती है। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट ऑफ ए टपल वंस इट इज असाइन, वेयर एज वी कैन चेंज द एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट। इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो टपल होती है, टपल के अंदर जब हम एलिमेंट को एक बार हम असाइन कर देते हैं तो उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जबकि लिस्ट के अंदर हम कोई एलिमेंट को असाइन करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम या एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। इसलिए जो टपल होती है वो इम्यूटेबल होती है और जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। क्रिएटिंग ए टपल, ए टपल इज क्रिएटेड बाय प्लेसिंग ऑल द आइटम्स लाइक एलिमेंट्स इनसाइड द पैराथिसिस सेपरेटेड बाय कॉमास। जब टपल को हम क्रिएट करते हैं तो उसमें जो उसके सारे आइटम होते हैं उसको हम जो पैराथिसिस होते हैं, मींस जो सर्कुलर ब्रैकेट होता है उसके अंदर हम उसको प्लेस करते हैं और उनको कॉमा के द्वारा सेपरेटेड किया हो जाता है। द पैराथिसिस आर ऑप्शनल, इसके जो पैराथिसिस होते हैं या सर्कुलर ब्रैकेट होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं। हाउएवर इट इज़ ए गुड प्रैक्टिस टू यूज देम, इसलिए हमको ये अच्छी प्रैक्टिस है कि हम ये जो पैराथिसिस है इनका हम यूज़ करें जो कि इसमें ऑप्शनल होते हैं। ए टपल कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम एंड दे मे बी डिफरेंट टाइप लाइक इंटीजर फ्लोट लिस्ट स्ट्रिंग etc। जो हम टपल यूज़ करते हैं, टपल के अंदर जो हम आइटम पास करते हैं वो किसी भी नंबर्स के हो सकते हैं या हम कितने भी उसके अंदर आइटम को उसमें इंटर कर सकते हैं, और जो इनका जो डेटा टाइप होता है वो जो डेटा टाइप भी उनका डिफरेंट होता है, वो चाहे इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, उसमें लिस्ट भी पास कर सकते हैं और स्ट्रिंग टाइप का भी हो सकता है। तो जब हम टपल को क्रिएट करते हैं तो टपल को हम क्या करते हैं कि जो जो उसके एलिमेंट है उसको हम जो सर्कुलर ब्रैकेट होता है सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हम पास करते हैं, और ये जो इसके एलिमेंट होते हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं, लिस्ट भी पास कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी आप उसको पास कर सकते हैं। नाउ सी द एग्जांपल, यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के जो है टपल्स। तो सबसे पहले देखते हैं एम्प्टी टपल, जैसे यहाँ पे माई अंडरस्कोर टपल, हमने एक वेरिएबल लिया है और उसको हमने एम्प्टी सर्कुलर हम ब्रैकेट असाइन किया है या पैराथिस पास किया है, इसमें अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हम इसको एम्प्टी टपल कहेंगे।
जब इसको हम प्रिंट करते हैं, जब इसकी वैल्यू को आप प्रिंट करेंगे तो जो इसका आउटपुट आएगा वो भी हमको एम्प्टी मिलेगा। अब देखते हैं टपल हैविंग इंटीजर्स, यहाँ पे हमने लिया है माई अंडरस्कोर टपल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट पास किया है और उसके हमने अंदर 1, 2, 3 ये इंटीजर वैल्यू पास कर दी है। जब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल को जब प्रिंट करेंगे तो ये जो इंटीजर वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी, ये सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर हमको इंटीजर वैल्यू मिल गई। टपल विथ मिक्स डेटा टाइप, अब मिक्स डेटा टाइप्स के साथ में हम देखते हैं टपल को। यहाँ पे लिया माई अंडरस्कोर टपल एक वेरिएबल ले लिया इज इक्वल्स टू, इसके अंदर वैल्यू पास किया हमने सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर 1, इसके बाद हेलो ये स्ट्रिंग वैल्यू है और 3.4 ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ हैं। तो इसको प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल, जब इसको प्रिंट करेंगे तो जो इसका आउटपुट होगा वो हमको इस तरह से मिल जाएगा। ये मिक्स्ड डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ हैं। देन नेस्टेड टपल्स देखते हैं, यहाँ पे लिया हमने माई अंडरस्कोर टपल इज इक्वल्स टू, ये हमने सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पास कर दिया, यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू पास की है, उसके अंदर फिर अगेन नेस्टिंग किया है और हमने एक लिस्ट वैल्यू पास की है, लिस्ट की वैल्यू पास की और उसके अंदर फिर अगेन टपल वैल्यू पास की, टपल के एलिमेंट पास किए और इधर लिस्ट के एलिमेंट है और इधर स्ट्रिंग वैल्यूज़ है। तो इसको प्रिंट करके देखेंगे, जब हम इसको प्रिंट करेंगे माई अंडरस्कोर टपल को तो ये हमको मिक्स्ड वैल्यू के साथ में इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। नाउ सी इन पाइथन सेल, सबसे पहले हम देखते हैं, हमने लिया एक वेरिएबल ले लेते हैं माई अंडरस्कोर टपल, एक वेरिएबल लिया, इसमें सबसे पहले हमने पास किया एम्प्टी वैल्यू पास कर रहे हैं। अब इसको प्रिंट करते हैं, ओके तो ये एम्प्टी वैल्यू को प्रिंट कर देता है, ये एम्प्टी टपल है। अब इसमें हम वैल्यू पास करेंगे, जैसे ले लिया माई अंडरस्कोर टपल, इसमें पास कर दिया हमने इंटीजर वैल्यू पास करते हैं, प्रिंट करेंगे, तो इसने एम्प्टी वैल्यू प्रिंट कर दी। वैसे हम स्ट्रिंग वैल्यू भी पास कर सकते हैं, प्रिंट करेंगे, इसने स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब हम इसके साथ में जो नेक्स्ट वैल्यू है इसमें हम पास करेंगे, इसमें मिक्स्ड डेटा टाइप की वैल्यू पास करेंगे, तो हमने पास कर दिया माई अंडरस्कोर टपल, इसमें मिक्स वैल्यू पास करेंगे, जैसे जो प्रोग्राम में लिया है इसमें ये जो वैल्यूज है ये इंटीजर वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यूज है और ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। प्रिंट करते हैं, तो ये इसकी मैक्स वैल्यू प्रिंट हो गई। अब इसके साथ में हम पास करते हैं
जो नेस्टेड वैल्यू है वो पास करेंगे। नेस्टेड टपल किस तरह से यूज़ होता है, माई टपल वेरिएबल ये, इसके अंदर हमने पास कर दिया। डीबी ज्ञान जो स्ट्रिंग वैल्यू है, अब इसके अंदर एक लिस्ट वैल्यू पास कर देते हैं। और साथ में एक टपल वैल्यू पास करते हैं। सो क्लोज कर देंगे, प्रिंट करेंगे। तो ये इसमें जो मिक्स्ड वैल्यू है वो भी इसके साथ में, इसको मिक्स्ड डेटा टाइप की जो वैल्यू वो भी प्रिंट कर दिया। इट टपल कैन आल्सो बी क्रिएटेड विदाउट यूजिंग पैराथेसिस, दिस इज नोन एज ए टपल पैकिंग। टपल को विदाउट पैराथेसिस भी हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम टपल पैकिंग कहते हैं। जैसे एक वेरिएबल ले लिया माई अंडरस्कोर टपल, इसकी वैल्यू असाइन कर दी हमने, पहली जो वैल्यू है वो इंटीजर है, सेकेंड फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है और थर्ड स्ट्रिंग वैल्यू है। अब इन वैल्यूज इसको जो वेरिएबल लिया इसको प्रिंट करते हैं माई अंडरस्कोर टपल को, तो इसकी जो है वैल्यू प्रिंट कर देता है। यहाँ पे हमने जो पैराथेसिस पास नहीं किया था, इसने ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट इसकी जो है पैराथेसिस को ले लिया। टपल अनपैकिंग इज आल्सो पॉसिबल, टपल अनपैकिंग देखते हैं। यहाँ पे हमने तीन वेरिएबल लिए हैं और उसमें माई टपल की जो वैल्यू है वो तीनों वेरिएबल को असाइन कर दिया है। अब इन वेरिएबल्स को हम प्रिंट करेंगे, तो सबसे पहले प्रिंट करेंगे वेरिएबल ए, तो जो इसकी वैल्यू हमने असाइन की थी वो उसको प्रिंट कर देगा 3, जो इंटीजर वैल्यू है। फिर बी को प्रिंट करेंगे, तो बी की वैल्यू को प्रिंट कर देगा 4.6, जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। वैसे हम सी को प्रिंट करेंगे, तो सी की जो वैल्यू हमने असाइन किया था इसमें स्ट्रिंग वैल्यूज थी, उसको प्रिंट कर देगा 2। इस तरह से इसमें हम पैकिंग अनपैकिंग दोनों कर सकते हैं। नाउ सी इन पाइथन सेल, सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं माई अंडरस्कोर टपल और उसकी वैल्यू असाइन कर देते हैं इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग वैल्यू, और इसमें हम पैराथेसिस को पास नहीं कर रहे हैं। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं माई अंडरस्कोर टपल को। ओके, इसने ऑटोमेटिक इसमें पैराथेसिस ले लिया, सर्कुलर पैराथेसिस, जो कि टपल को शो करता है। इसी को हम टपल पैकिंग कहते हैं। अब इसको अनपैकिंग करते हैं, तो हमने एक वेरिएबल ले लिया ए बी और सी और इसमें माई अंडरस्कोर टपल की वैल्यू असाइन कर दी। तो सबसे पहले प्रिंट करते हैं ए को, तो उसने ए की वैल्यू जो आप असाइन किया था हमने माई टपल को इंटीजर वैल्यू, उसको प्रिंट कर दिया। तो बी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, तो जो हमने जो सेकंड वैल्यू असाइन की थी माई टपल को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, उसको प्रिंट कर दिया। उसके बाद हम सी को प्रिंट करेंगे, तो ये जो लास्ट वैल्यू असाइन की थी हमने स्ट्रिंग वैल्यू, तो उसने ऑटोमेटिक सी को असाइन कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया। तो इसको बोलेंगे टपल अनपैकिंग। क्रिएटिंग ए टपल विथ वन एलिमेंट इज ए बिट ट्रिकी। जब हम टपल को क्रिएट करते हैं किसी एक एलिमेंट के साथ में, तो थोड़ा सा हमको एक ट्रिकी उसको उसके अंदर कुछ ट्रिक्स को ध्यान रखना पड़ता है। Having one element within the parenthesis is not enough. जब हम किसी एक एलिमेंट के साथ में हम parenthesis को पास करते हैं तो वो उसके लिए sufficient नहीं होता है। We will be need a trailing comma to indicate that it is in fact a tuple. तो हमें एक इसके साथ में एक trailing comma की आवश्यकता होती है, जो कि उसको tuple के लिए उसको
इंडिकेट करेगा, जैसे कि एग्जांपल में देखा है, जैसे हमने यहाँ पे पास किया माई अंडर स्कोर टपल इज इक्वल्स टू, सो सर्कुलर ब्रैकेट में हमने एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दिए, लेकिन जब हम इसका आउटपुट प्रिंट करते हैं तो प्रिंट क्या उसका, जब हमने टाइप प्रिंट किया माई अंडर स्कोर टपल का, तो ये इसको स्ट्रिंग बताएगा, ये जो इसका आउटपुट होगा वो उसका टाइप स्ट्रिंग बताएगा। तो क्रिएटिंग ए टपल हैविंग ए वन एलिमेंट, इसके लिए हम ध्यान रखते हैं कि हमने जैसे कोई वेरिएबल लिया माई अंडर स्कोर टपल इज इक्वल्स टू सर्कुलर ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर हमने कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू पास की, देन लास्ट में हम इसमें कॉमा लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि हमको इसके लास्ट में अगर वन एलिमेंट पास करें तो उसके साथ में हमको कॉमा लगाना है। अब इसका आउटपुट प्रिंट करेंगे, तो ये जो इसका जो टाइप है उसको हम प्रिंट करते हैं माई अंडरस्कोर टपल का, तो ये इसको जो है इसका जो टाइप है वो टपल बताएगा। अब जैसे इसमें पैराथीसिस ऑप्शनल होता है, जैसे यहाँ पे पास किया हमने माई अंडरस्कोर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पास किया हेलो स्ट्रिंग में पास कर दिया, और बाद में हमने क्या कर दिया इसमें कॉमा लगा दिया, तो कॉमा लगाने से ये इसका जो टाइप है वो टपल हो जाएगा, जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको प्रिंट करते हैं, इसका टाइप प्रिंट किया माई अंडरस्कोर टपल का, तो ये टपल शो करेगा, और अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये स्ट्रिंग वैल्यू बताएगा, इसका जो टाइप होगा वो स्ट्रिंग हो जाएगा। पाइथन सेल पे देखते हैं, एक वेरिएबल ले लिया माई अंडरस्कोर टपल, इसको वैल्यू असाइन करेंगे, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर पास किया और स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दिए। अब इसका टाइप चेक करेंगे, हमने यहाँ पे पास किया था टपल वैल्यू, लेकिन ये यहाँ पे बता रहा है स्ट्रिंग वैल्यू, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जब हम इसको क्रिएट करते हैं। तो हम इसको लेंगे माई अंडरस्कोर टपल इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कॉमा लगाना होगा, जब भी हम टपल के लिए कोई अगर मान लो सिंगल वैल्यू पास करते हैं तो उसको हमको उसकी वैल्यू जो एलिमेंट है उसको पास करने के बाद में कॉमा लगा के उसको ब्रैकेट को क्लोज करना होगा, सर्कुलर ब्रैकेट को। अब इसका टाइप चेक करेंगे, माई अंडरस्कोर टपल, ओके। तो अब इसका ये जो टाइप है वो टपल बताएगा, वैसे ही हम इसके लिए क्रिएट करेंगे अगर हमने कोई टप पैराथेसिस नहीं पास किया है। उसके बाद हमने कॉमा लगा दिया, अब इसका टाइप प्रिंट करते हैं, टाइप माई अंडरस्कोर टपल, तो ये इसका जो टाइप हो टपल बताएगा। एक्सिस टपल एलिमेंट, नाउ indexing, we can use the index operator to access an item in a tuple where the index start from 0. हम index operator का उपयोग कर सकते हैं अगर हमको tuple के element को access करना है या उसको use करना है, जहाँ पर जो इसके इंडेक्स एलिमेंट स्टार्ट होंगे या इंडेक्स जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। तो टपल के अंदर जब भी हम जितने भी एलिमेंट हम डिफाइन करते हैं सबका अलग अलग इंडेक्स होता है। ए टपल हैविंग 6 एलिमेंट विल हैव इंडिसेस फ्रॉम 0 to 5। मान लो कि एक टपल के पास अगर 6 एलिमेंट है
तो जो उसके इंडेक्स जो होगा वो 0 से 5 होगा। ट्राइंग टू एक्सेस एन इंडेक्स आउटसाइड ऑफ द टपल इंडेक्स रेंज 6, 7, 8 सो ऑन विल राइज एन इंडेक्स एरर। अगर मान लो हम क्या करते हैं कि जो इंडेक्स एलिमेंट हमने लिया, इंडेक्स जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे जो इंडेक्स एलिमेंट है 0 to 5 है, जो कि टपल के इंडेक्स एलिमेंट है, अगर हम उस टपल के इंडेक्स एलिमेंट के बाहर या आउटसाइड उसकी जो रेंज है उसमें, जैसे हमने 6, 7, 8 और अदर हमने उसमें इंडेक्स अगर पास कर दिया तो ये इंडेक्स एरर देगा। द इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर सो वी कैन नॉट यूज फ्लोट और अदर टाइप्स, दिस विल रिजल्ट इन टाइप एरर। कि जो हमारा इंडेक्स होता है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, हम इसमें फ्लोट और अदर जो डेटा टाइप्स है उसको यूज़ नहीं कर सकते। और मान लो कि अगर हम अगर इसको यूज़ करते हैं, कोई अदर डेटा टाइप फ्लोट और स्ट्रिंग टाइप को हम यूज़ करते हैं, तो उसका जो एरर होगा वो होगा टाइप एरर। नाउ सी द एग्जांपल ऑफ इंडेक्सिंग। एक्सेस टपल एलिमेंट यूजिंग इंडेक्सिंग, हम जो टपल एलिमेंट है उसको इंडेक्स का यूज़ करके या इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम उसको एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लिया माई अंडरस्कोर टपल और उसके अंदर हमने उसकी जो आइटम्स हैं वो पास कर दी। तो जैसे इसमें टोटल 6 एलिमेंट हैं तो जो इसकी स्टार्टिंग स्टार्ट होगी वो 0 से 5 तक होगी। फिर उसके बाद हमने माई अंडरस्कोर टपल को प्रिंट कर रहे हैं और इसके अंदर हमने इंडेक्स वैल्यू है वो पास कर दिया है 0, 0 पास किए हैं। तो जो 0 इंडेक्सिंग हो गया, ये वाला ये 0 इंडेक्स है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, देन 3, देन 4 और ये 5। तो इसमें अगर हमने 0 पास किया तो हमारा जो इंडेक्स वैल्यू है वो डी आएगा। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आ गया, डी आ गया। फिर अगेन हम माई अंडरस्कोर टपल, इसमें जो इंडेक्स वैल्यू हमने 4 पास कर दिया, इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो जो 4 पे इंडेक्स है ए, तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो ए प्रिंट होगा। फिर अगेन हमने पास किया, अब इसमें हम कहते हैं इंडेक्स एरर आएगी अगर हम उसकी रेंज से बाहर कोई एलिमेंट, मतलब जो इसकी रेंज है उससे कोई बाहर की हम उसमें इंडेक्स वैल्यू पास करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पास कर दिया हमने माई अंडरस्कोर टपल और यहाँ पे पास कर दिया 6, तो जो हमारी इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे 6 नहीं है, तो जो ये इंडेक्स वैल्यू है इसके बाहर का हो गया, तो इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो एरर होगा, एरर मैसेज आ जाएगा, जैसे एरर आ गया टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इंडेक्स मस्ट बी एन इंटीजर, जो इंडेक्स है वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए। अगर हम इंडेक्स इसके जो है इंडेक्स एलिमेंट इंटीजर की जगह अगर मान लो बाय द वे अगर हमने फ्लोट पास कर दिया, तो जैसे यहाँ पे हमने माई अंडरस्कोर टपल इसके साथ जो इंडेक्स वैल्यू हमने 3.0 पास की जो कि फ्लोट वैल्यू है, उस केस में ये एरर देगा। जो हमारा जो इंडेक्स है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, ना कि फ्लोट और अदर वैल्यूज। नाउ सी द नेस्टेड टपल। यहाँ पे हमने एन अंडरस्कोर एक टपल वेरिएबल लिया, इसके अंदर हम लोगों ने जिसका सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर है इसमें हमने सबसे पहले स्ट्रिंग पास कर दिया, तो उसके बाद फिर लिस्ट की जो आइटम है वो पास कर दिया और टपल आइटम पास किए या टपल एलिमेंट पास किए। अब इसमें हम इसके जो इंडेक्स है उसको पास करेंगे, जैसे यहाँ पे पास कर दिया हमने प्रिंट एन अंडरस्कोर टपल और यहाँ पे जो है 0, देन इसके जो है उसके बाद 4, ये हमने पास किया। तो जो इसका इंडेक्सिंग एलिमेंट है जो इसमें हमने पास किया है, तो जैसे यहाँ पे हो गए इसकी जो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो अब इसमें जैसे हमने पास किया 0, तो 0 एलिमेंट पास किया, तो यहाँ इसकी जो इंडेक्सिंग वैल्यू है वो भी इसी से स्टार्ट होगी, जैसे हो गया 0, देन 1, देन 2,
देन थ्री देन फोर देन फाइव। अब यहाँ पे हमने पास किया है फोर, तो अब देखते हैं इसके जो इंडेक्स जो वैल्यू है फोर पे यहाँ पे क्या है, ए है। तो जब हम 0 4 करेंगे तो इसका 0 4, तो ये जो ए की वैल्यू है एंड जो इसकी जो वैल्यू है ए, उसको प्रिंट कर देगा। तो जो इसका आउटपुट मिलेगा हमको ए। फिर उसके बाद अगेन हम इसके अंदर हम जो है प्रिंट करते हैं एन अंडरस्कोर टपल। इसमें हमने पास किया वन, फर्स्ट जो हमारा है वो हमने फर्स्ट इंडेक्स पास कर दिया वन, और सेकेंड इंडेक्स पास कर दिया हमने टू। अब वन वाला हमारा कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसमें जो है सेकेंड सेकेंड पोजिशन दिए, तो ये हो गया 0 देन 1 और ये हो गया 2। तो सेकेंड के ऊपर हमारा क्या हो गया 6। तो जब हम 1 कॉमा 2 करेंगे, ये जो इसके इंडेक्स वैल्यू जो हम पास करेंगे, तो ये इसकी जो वैल्यू है 6, इसको प्रिंट कर देगा। इस तरह से हम बाकी एलिमेंट के लिए भी ले सकते हैं। नाउ सी इन पाइथन सेल। तो सबसे पहले हम टपल एलिमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी जो है हम इंडेक्सिंग के थ्रू उसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक टपल ले लिया जैसे माई अंडरस्कोर टपल, और उसके जो एलिमेंट पास कर दिए, इसमें टोटल 6 एलिमेंट है। 6 एलिमेंट यहाँ पे पास किया हुआ है और इसको पास कर दिया। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं माई अंडरस्कोर टपल, ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हम इंडेक्स एलिमेंट पास करेंगे, इसमें इंडेक्स जो वैल्यू है वो पास करेंगे और उसके थ्रू उसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। तो हमने पास किया माई अंडरस्कोर टपल और इसमें पास कर दिया हमने उससे जो इंडेक्स एलिमेंट पास किया 0। तो इसका जो 0 होगा, 0 होगा हमारा 0 से स्टार्ट देंगे, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 पे होगा, 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अभी जो 0 पास किया था, इसकी जो एलिमेंट है वो डी, इसको प्रिंट करेगा। तो डी प्रिंट हो गया। देन माई अंडर स्कोर टपल, अब इसमें हमने पास कर दिया सपोज 4। 4 पे हमारा एलिमेंट होगा 0 1 2 3 4। 4 पे हमारा ए है, तो ये ए को प्रिंट कर देगा। अगर हमने कोई ऐसा एलिमेंट ले लिया जो इसके इंडेक्स के एलिमेंट इस इंडेक्स वैल्यू नहीं है, या मतलब ये मानो कि जैसे यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू जो हमने पास किया 0 से 5 तक है, वो हमने मान लो कि उसकी रेंज से बाहर पास कर दिया, तो उस केस में वो इरर देगा। देखते हैं, जैसे यहाँ पे पास कर दिया सपोज 6, तो इसकी जो रेंज है वो 0 टू 5 है, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये इरर देगा। या फिर हमने कोई ऐसा एलिमेंट पास कर दिया जो फ्लोटिंग पॉइंट है, इसमें हमें हमेशा इसकी जो वैल्यू है इंडेक्स वैल्यू वो इंटीजर होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे पास कर दिया फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, ये फ्लोट वैल्यू पास किया हमने, उस केस में भी ये एरर देगा। नेस्टेड टपल के बारे में ये देखेंगे, तो हम कोई वेरिएबल्स लेते हैं एन अंडरस्कोर टपल, हमने वेरिएबल लिया है, ये टपल वेरिएबल है, और इसके अंदर हमने जो वैल्यू पास की है सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर, ये जो वैल्यूज़ है ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ हो गई, ये लिस्ट लिस्ट आइटम्स हो गए, और ये टपल आइटम हो गए, टपल हो गया। तो हमने इसको नेस्टिंग किया हुआ है, इसको प्रिंट करके देखते हैं एन अंडरस्कोर टपल, तो ये एलिमेंट डिस्प्ले हो गया। अब इसमें हम पास करेंगे इसकी इंडेक्स वैल्यू एन टपल, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू पास कर दी सबसे पहले 0, यहाँ पे पास कर दिया 4। इस केस में जो इसकी 0 पोजीशन होगी, अब इसके अंदर जो है नेस्टिंग किया हुआ एलिमेंट को हमने जो टपल नेस्टेड है यहाँ पे, जो ये फर्स्ट ये होगा, ये जो पूरी स्ट्रिंग है ये 0 होगी, इसकी जो पोजीशन होगी 0 देन 1 एंड 2, और लेकिन इसके जो एलिमेंट हो गए उसकी भी अलग से पोजिशन होगी, वो उसको हम इसके थ्रू पास करेंगे। जैसे यहाँ पे पास किया 0, तो ये हो गया 0, देन उसके बाद जो एलिमेंट का इंडेक्स है 4, तो ये हो जाएगा 0 1 2 और 3 देन 4। तो ये इसमें ए है, ए को ये डिस्प्ले कर देगा, ये ए डिस्प्ले हो गया। अगेन पास करते हैं हम एन अंडरस्कोर टपल, अब इसमें पास कर दिया हमने 1
एंड टू, ठीक है। तो जो इंडेक्स एलिमेंट हमारा वन कौन सा हो गया, ये, और उसका सेकंड एलिमेंट जो है इंडेक्स वैल्यू हम पास के सेकंड जाएगी 0, 1 एंड 2, तो इसका जो आउटपुट होगा वो 6 होगा। अगर हम लोग इसको इस तरह से वैल्यू पास कर सकते हैं, जैसे मान लो इंडेक्स वैल्यू पास कर दी मैंने 0, ये 0 पोजिशन की वैल्यू से पूरी डिस्प्ले कर दी, या अगेन हमने पास कर दिया एन अंडरस्कोर टपल, इसमें पास कर दिया, सपोज मैंने पास कर दिया 2, देन तो इसको वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नेस्टेड टपल को नेस्टेड इंडेक्स के थ्रू भी इसकी वैल्यू पास कर सकते हैं। ये हमने नेस्टेड इंडेक्स के थ्रू पास किया और ये सिंपल इंडेक्स के थ्रू हमने इसकी वैल्यू को पास कर दिया, इसका पास किया और उसका आउटपुट मिल गया। नेगेटिव इंडेक्सिंग, पाइथन अलाउज द नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉर इट्स सीक्वेंस। पाइथन नेगेटिव इंडेक्स को इसके सीक्वेंस के लिए अलाउ करता है। द इंडेक्स ऑफ -1 रिफर्स टू द लास्ट एलिमेंट या लास्ट आइटम, एंड -2 द सेकेंड लास्ट आइटम एंड सो ऑन। इसका जो इंडेक्स के अंदर जो -1 है उसके लास्ट एलिमेंट को रिफर करेगा और -2 उसके सेकेंड लास्ट को करेगा, इस तरह से इसकी प्रोसेस चलती जाएगी। ये जो है राइट टू लेफ्ट उसको शो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग एलिमेंट के लिए हमने ले लिया माई अंडरस्कोर टपल हमने ले लिया। अब इसके अगर हम लेफ्ट टू राइट अगर इस सीक्वेंस से हम जाते हैं तो इसकी जो इंडेक्सिंग एलिमेंट होगी वो होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। और अगर हम इसके साथ जो है राइट से लेफ्ट की साइड जाएंगे तो इसकी जो इंडेक्सिंग होगी वो माइनस से स्टार्ट होगी। जैसे होगी -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। तो जब हम इसके एलिमेंट को हमने पास कर दिया, उसके बाद हम इसके इंडेक्स एलिमेंट पास करते हैं। जैसे -1 पास किया तो ये -1 जो है सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा, ये -1 होगा तो इसके एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। अगेन हमने पास किया -6, तो -6 ये अगर है ये आपका राइट से लेफ्ट जा रहा है तो जो -6 होगा आपका डी पे होगा, डी का इंडेक्स -6 होगा तो ये इसके एलिमेंट को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से इसकी जो प्रोसेसिंग है वो होती है। और जो एलिमेंट है वो जो लास्ट से फर्स्ट एलिमेंट तक वो उसको डिस्प्ले करता है, या ये बोल सकते हैं राइट से लेफ्ट साइड इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करता है। नाउ सी इन पाइथन से सबसे पहले हम नेगेटिव इंडेक्स लेना है तो हम लोग पहले एक टपल ले लेते हैं, माइ अंडरस्कोर टपल हमने ले लिया, इसके अंदर उसके टपल एलिमेंट को पास कर दिए। अब इसके अगर हम नेगेटिव इंडेक्स की बात करते तो हम इसमें राइट से अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू को जो इंडेक्स है वो डिस्प्ले करेगा। जैसे हो गया -1, -2, -3, -4, -5 और -6। अब इसकी इंडेक्सिंग हम पास करते हैं माइ अंडरस्कोर टपल, तो सपोज पास कर दिया -1, तो जो -1 है वो इस पोजिशन पे होगा, तो जो इस -1 जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी एन, ये एन को डिस्प्ले कर देगा। फिर अगेन पास किया माइ अंडरस्कोर टपल, उसमें पास कर दिया -6, तो जब इसको डिस्प्ले करेंगे तो 6 -6 आपका इस पोजीशन के ऊपर होगा, डी के ऊपर, डी को डिस्प्ले कर दिया। फिर अगेन हमने कोई वैल्यू प्रिंट किया माइ अंडरस्कोर टपल, उसमें पास कर दिया हमने सपोज -3, तो 3 पे जो एलिमेंट है -3 पे जो एलिमेंट है उसको डिस्प्ले कर देगा। स्लाइसिंग, वी कैन एक्सेस ए रेंज ऑफ आइटम इन ए टपल बाय यूजिंग द स्लाइसिंग ऑपरेटर कॉलन। हम जो टपल के एलिमेंट है उसको अगर हम किसी रेंज मतलब जो आइटम की रेंज को हम एक्सेस करने के लिए स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम जो एलिमेंट है ना तो उसके जो एलिमेंट है उसको स्लाइसिंग ऑपरेटर को यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले एक टपल ले लेते हैं और टपल के अंदर उसके एलिमेंट पास कर देते हैं। टोटल एलिमेंट इसमें 6 है और जो इसकी रेंज है लेफ्ट टू राइट जो है वो 0 to 5 है। तो सबसे पहले हम इसमें है एलिमेंट जो इसका सेकंड से जो इसका 6th एलिमेंट है इसको हम एक्सेस करेंगे।
उसको एक्सेस करने के लिए हम पास करेंगे प्रिंट माई अंडरस्कोर टपल, जो हमारा टपल वेरिएबल है, इसके अंदर हमने पास करा है इसका जो इंडेक्स जो वैल्यू है, इंडेक्स हमने पास किया 2:6। तो ये सेकेंड से इसके जो सिक्स एलिमेंट, तो सेकेंड कहाँ पे होगा इसका, जो सेकेंड एलिमेंट होगा इसका इस पोजीशन के ऊपर का, सिक्स एलिमेंट यहाँ पे इस पोजीशन के ऊपर होगा। तो जब आप इसको डिस्प्ले करेंगे तो जो इसका आउटपुट होगा ये हमको, ये है सेकेंड एलिमेंट से सिक्स एलिमेंट तक उसने ज्ञान डिस्प्ले कर दिया। फिर अगेन पास करते हैं एलिमेंट बिगनिंग टू सेकेंड, बिगनिंग से सेकेंड एलिमेंट चेक करने के लिए हम पास करेंगे माई अंडरस्कोर टपल हमने ले लिया इसमें, देन यहाँ पे हमने कॉलन, इसके बाद हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग पास की है। नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब वो जो नेगेटिव इंडेक्सिंग आपका कहाँ से, ये जो है राइट टू लेफ्ट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3 और -4। तो जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले करेगा इसका db, इसको देखते हैं जो इसका आउटपुट मिलेगा db। अगेन हमने माई अंडरस्कोर टपल एक टपल वेरिएबल ले लिया, उसके अंदर हमने एलिमेंट पास कर दिए db के। अब इसमें हम फाइंड आउट करेंगे जो एलिमेंट है फिफ्थ एलिमेंट से एंड तक जाएंगे, मतलब जो इसका फिफ्थ एलिमेंट होगा ये फिफ्थ होगा इसके एंड तक जाएंगे, इसके लिए पास करेंगे माई अंडरस्कोर टपल, हमें पास कर दिया 4, देन स्लाइस ऑपरेटर, उसके बाद में क्लोज कर दिया। तो जब इसको हम डिस्प्ले करेंगे तो इसका जो है फिफ्थ से एंड एलिमेंट तक इसको डिस्प्ले कर देगा, ये डिस्प्ले हो गया। देन अगेन एलिमेंट बिगिनिंग टू एंड हमको डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम पास करें माई अंडरस्कोर टपल, और उसके अंदर जो हमारा जो सर्कुलर ब्रैकेट है उसमें हम कॉलन को पास कर देंगे, तो ये जो है शुरू जो उसकी बिगिनिंग से एंडिंग तक की जो वैल्यू है उसको डिस्प्ले कर देगा। नाउ सी द स्लाइसिंग ऑन पाइथन सेल। एक हम टपल ले लेते हैं माई अंडरस्कोर टपल, टपल वेरिएबल ले लिए, इसको प्रिंट करके देख लेते हैं माई अंडरस्कोर टपल। ओके इसकी वैल्यू डिस्प्ले हो गई। अब इसके हम स्लाइसिंग पास करेंगे माई अंडरस्कोर टपल, इसके अंदर पास कर दिया हमने, जैसे सपोज हमको जो एलिमेंट हमको प्रिंट करना है सेकेंड से हमको सिक्स जो उसका सिक्स एलिमेंट है उस तक हमको उसको डिस्प्ले करना है, हमने पास कर दिया सेकेंड, सेकेंड एलिमेंट हमारा कौन सा हो गया, ये जैसे सेकेंड एलिमेंट हमारा होगा ये होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, उसके बाद की वैल्यू हमको प्रिंट करना है, जैसे इसको प्रिंट करना है तो इसके लिए हम उसको पास करेंगे इसको डिस्प्ले कर दिया। अगेन हम पास करते हैं माय अंडरस्कोर टपल, इसमें सपोज हम अब नेगेटिव वैल्यू पास करते हैं स्लाइसिंग के लिए, इसमें पास कर दिया हमने कॉलन देन -4। ठीक है तो इसकी वैल्यू जो डिस्प्ले होगी हमारी वो -4 से, -4 की जो वैल्यू है तो -1, -2, -3 एंड -4, इसके बाद की जो वैल्यू उसको डिस्प्ले करेगा, देखते हैं प्रिंट कर दिया। अगेन देखते हैं माई अंडरस्कोर टपल, अब इसमें हम क्या करेंगे इसके जो फिफ्थ एलिमेंट से इसके एंड एलिमेंट तक हम उसको डिस्प्ले करेंगे, तो हमारा जो फिफ्थ एलिमेंट कहाँ पे होगा, ये फिफ्थ एलिमेंट है उसके एंड एलिमेंट तक जाएंगे, उसके लिए पास करेंगे 4 देन स्लाइसिंग ऑपरेटर, देन क्लोज कर देते हैं। तो ये जो फिफ्थ और इसका जो एंडिंग है लास्ट एलिमेंट वो डिस्प्ले हो गया। फिर हम देखते हैं अगर इसके जो बिगनिंग से कोई एलिमेंट हमको एलिमेंट को डिस्प्ले करना है बिगनिंग से एंड तक, तो इसमें पास कर देते हैं सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर कॉलन, तो ये बिगनिंग से उसके एंड तक की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। इंडेक्स इन टपल ऑब्जेक्ट आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 0 पोजीशन, टपल ऑब्जेक्ट के जो इंडेक्स होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पोजीशन से 0 होती है। दिस मीन इंडेक्स ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन द टपल विल बी 0,
बिलो लिस्टेड एग्जाम्पल इज शोन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट इन पाइथन, जो हम इंडेक्स पास करें, इंडेक्स जो एलिमेंट पास करें टपल का, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका जो स्टार्टिंग होती है वो जीरो होती है, तो स्टार्टिंग एलिमेंट होगा उसकी जो इंडेक्स है वो भी जीरो होगी। तो हम नीचे जो एग्जाम्पल गिवन है उसका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, देखेंगे कि किस तरह से वो डिस्प्ले होता है। जैसे कि हम जो है जो लिस्ट को पाइथन के अंदर यूज़ करते हैं, तो जैसे ये हो गया आइटम, ये हमने आइटम पास कर लिए। अब इसकी जो सबसे पहले इंडेक्सिंग देखते हैं, इसकी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी जीरो से वो इंक्रीज होती जाएगी, जैसे 0, 1, 2, 3 से वो जाएगा एन माइनस वन तक। और अगर हम उसको राइट से देखेंगे, राइट साइड से जो उसकी इंडेक्सिंग में देखेंगे, तो ये होगी माइनस वन से उसको ये इंक्रीज होती जाएगी, जैसे -1, -2, n-10, और इस तरह से -11 तक उसकी वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरह से जो इसकी इंडेक्सिंग होती है, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, और जब राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो इसकी इंडेक्सिंग नेगेटिव होती है। चेंजिंग ए टपल, टपल्स आर इमिटेबल, टपल्स इमिटेबल होते हैं। दिस मीन दैट एलिमेंट ऑफ ए टपल कैन नॉट बी चेंज वंस दे हैव बीन असाइंड, बट इफ द एलिमेंट ऑफ इटसेल्फ ए म्यूटेबल डेटा टाइप लाइक लिस्ट, इट्स नेस्टेड आइटम कैन बी चेंज। इसका मतलब ये है कि जो हम टपल के अंदर जब एक बार हम कोई एलिमेंट असाइन कर देते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन यदि हम क्या कहते हैं, जो एलिमेंट हमने जो पास किया है अगर वो म्यूटेबल डेटा टाइप के हैं, जैसे कि लिस्ट है ना, और हम उसमें जो पास करें वो नेस्टेड आइटम पास किया है, तो हम उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। वी कैन आल्सो असाइन ए टपल ऑफ डिफरेंट वैल्यूज, रीअसाइनमेंट। हम टपल के अंदर जो उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है, जो डिफरेंट वैल्यूज पास करते हैं उसको असाइन कर सकते हैं, वापस उसको रीअसाइन भी कर सकते हैं। नाउ सी द एग्जांपल, चेंजिंग टपल वैल्यूज, टपल वैल्यू को हम चेंज करेंगे। नाउ माई अंडरस्कोर टपल, इसमें हमने जो वैल्यू पास की है, जैसे यहाँ पे पास कर दिया, ये टपल्स के एलिमेंट ले लिया और इसके साथ में लिस्ट एलिमेंट पास कर दिया। अब अगर हम इसके अंदर जो है, जो टपल है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, जैसे हमने कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे लिया, जैसे हमने यहाँ पे टपल एलिमेंट ले लिया, इसमें हमने जो इंडेक्स एलिमेंट लिया है 1 और उसमें असाइन कर दिया 9, तो जब आप इसको असाइन करेंगे तो ये एरर देगा। हाउएवर द आइटम ऑफ म्यूटेबल एलिमेंट कैन बी चेंज, तो इसमें जो म्यूटेबल एलिमेंट होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पास किया हमने माई टपल, यहाँ पे पास किया 3, तो ये हो गया 0, 1, 2 एंड 3, तो ये जो है ये म्यूटेबल एलिमेंट है, तो हम इस इनकी जो वैल्यूज़ है या जो एलिमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हमने पास किया 3 3, देन उसमें पास कर दिया 0, तो ये जो 6 वाला जो एलिमेंट है हम उसको चेंज कर पाएंगे, तो उसको असाइन कर दिया है 9। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे, जो टपल इसको प्रिंट करेंगे, तो उसकी वैल्यू को ये चेंज कर देगा। जैसे यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो गई है, मतलब जब टपल तो इमिटेबल होता है, लेकिन अगर उसके एलिमेंट हमने जैसे पास किए और वो अगर म्यूटेबल है, जैसे ये लिस्ट है ये म्यूटेबल है, तो हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। टपल्स कैन बी रीअसाइन, टपल्स को हम वापस रीअसाइन कर सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में उसको माय अंडरस्कोर टपल को हमने डिफाइन किया था, या उसके जो आइटम हमने उसको उसको एलिमेंट असाइन किए थे, अब इस वाले में हम अगेन उसमें क्या कर रहे हैं, माय अंडरस्कोर टपल के अंदर हम इसके अंदर हमने जो वैल्यू है फिर से उसको रीअसाइन कर दिया। तो जब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं माय अंडरस्कोर टपल को, तो इसका आउटपुट ये डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब जो वैल्यूज़ हैं फिर से इसमें रीअसाइन हो गई है। नाउ सी इन पाइथन सेल, एक हम टपल ले लेते हैं,
माई अंडर स्कोर टपल, उसके अंदर हमने उसके जो आइटम है वो पास कर दिया, और साथ में एक लिस्ट भी पास कर दिया। उसको पहले प्रिंट करके देखते हैं, माई अंडर स्कोर टपल, ये इसके जो भी आइटम है वो डिस्प्ले कर दिए। अब इसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं, माई अंडर स्कोर टपल, इसके अंदर हमने इसका जो इंडेक्स एलिमेंट ले लिया 1, और इसको असाइन कर दिया 9, तो ये एरर देगा क्योंकि ये जो एलिमेंट है, जो टपल के एलिमेंट हैं, ये इम्यूटेबल होते हैं, जिसको आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। तो अब हम जो इसके अंदर जो हमने लिस्ट पास की है, जो कि जो म्यूटेबल होता है, उसको हम उसको पास करेंगे, क्योंकि लिस्ट के एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पास किया हमने माई अंडरस्कोर टपल, इंडेक्स एलिमेंट ले लिया हमने 3, लिस्ट जो है 3 पे है, जिसका इंडेक्स है, ये पास किया 0 इज इक्वल्स टू 9, क्योंकि कोई भी एरर नहीं है। अब प्रिंट करके देखते हैं, माई अंडरस्कोर टपल, तो इसको डिस्प्ले कर दिया, जो वैल्यू है वो चेंज हो गई है। अब फिर से हम इसको रीअसाइन करते हैं, माई अंडरस्कोर टपल इज इक्वल्स टू, हमने पास कर दिया टपल एलिमेंट ले लिया हमने, ये टपल एलिमेंट पास कर दिया, तो ये वैल्यूज को असाइन हो गया। अब इसको प्रिंट करेंगे हम, माई अंडरस्कोर टपल, तो इसको हम वापस टपल को रीअसाइन कर सकते हैं। वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर टू कंबाइन टू टपल्स, हम प्लस ऑपरेटर का यूज करके दो टपल्स को कंबाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द कॉन्केटनेशन, इसको हम कॉन्केटनेशन कहते हैं। वी कैन ऑल्सो रिपीट द एलिमेंट इन ए टपल फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम यूजिंग द मल्टीप्लाई ऑपरेटर, हम साथ और हम ये भी कर सकते हैं कि जो एलिमेंट है उसको टपल के अंदर के एलिमेंट को बार बार रिपीट कर सकते हैं, उसको जो जो नंबर है, जो टपल है, उसको हम कोई भी नंबर से जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करके, जब उस टपल्स के जो एलिमेंट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एलिमेंट उतनी बार रिपीट हो जाएगा। बोथ प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर रिजल्ट इन ए न्यू टपल, दोनों में प्लस और जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है उसका जो रिजल्ट होता है वो एक न्यू टपल मिलता है। जैसे सबसे पहले हम कॉन्कैटनेशन देखते हैं, हमने एक टपल ले लिया, ये टपल लिया, उसके एलिमेंट पास कर दिया, और ये दूसरा टपल है। जब इन दोनों को हम कॉन्केट करेंगे तो हमको एक न्यू टपल मिल जाएगा। वैसे ही हम रिपीट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने टपल लिया, इसके साथ में हमने मल्टीप्लिकेशन किया है, मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये जो इसकी जो वैल्यू है वो 3 टाइम प्रिंट हो जाएगी या रिपीट हो जाएगी। नाउ सी इन पाइथन सेल, इसमें हम कोई भी दो टपल ले लेंगे, इनसे उसको प्रिंट करेंगे। टपल पास कर दिया हमने 1 2 3, ये इसके एलिमेंट हो गए, देन प्लस इसके एलिमेंट पास कर दिए हमने 4 5 एंड 6, तो ये कॉन्केट होके एक नया टपल मिल गया। वैसे हम कर सकते हैं, कोई हमने एक टपल असाइन कर दिया, जैसे पास कर दिया 1 2 एंड 3, और फिर एक और बी एक और हमने ले लिया एक और वेरिएबल, इसके अंदर जो वैल्यू असाइन करते हैं, इसमें पास कर दिया हमने 4 5 एंड 6। अब इन दोनों को प्लस ऐड कर देते हैं हम लोग, तो ये जब इन दोनों का हमने कॉन्केट किया इस प्लस ऑपरेटर से, तो ये एक नया टपल मिल गया। वैसे हम पास कर सकते हैं प्रिंट, इसके अंदर हमने पास कर दिया डीपी ज्ञान, एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, तो जब इसको प्रिंट करेंगे तो ये 3 टाइम प्रिंट
प्रिंट हो गया। वैसे ही हम किसी वेरिएबल के अंदर, टपल वेरिएबल के अंदर भी वैल्यू असाइन करके पास कर सकते हैं, जैसे पास कर दिया हमने हेलो, उसके साथ में उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 टाइम्स को रिपीट कर देगा। डिलीटिंग ए टपल, वी कैन नॉट चेंज द एलिमेंट इन ए टपल, इट मीन्स दैट वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव द आइटम्स फ्रॉम ए टपल। इसका मतलब ये है कि जब हम मतलब जो है जो टपल का एलिमेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब ये हुआ कि हम उसके जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट और रिमूव भी नहीं कर सकते हैं टपल आइटम्स को। नाउ डिलीटिंग ए टपल्स इंटायरली हाउएवर इट इज़ पॉसिबल यूजिंग द डेल कीवर्ड, अगर हम पूरी पूरी टपल को अगर डिलीट करते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है जब हम इस डेल कीवर्ड का यूज़ करें। नाउ डिलीटिंग टपल्स, अगर किसी भी टपल्स हमने एक टपल ले लिया जैसे माई अंडरस्कोर टपल, उसमें हमने उसके टपल एलिमेंट पास कर दिया, अगर हम इसके आइटम को डिलीट करेंगे तो हमको टाइप एरर मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिया डेल माई अंडरस्कोर टपल और इसमें जो इंडेक्स वैल्यू हमने पास कर दी 3, तो जब आप इसके जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये इसका जो आउटपुट है वो एरर मिलेगा। कैन डिलीट एन इंटायर टपल, हम उसके जो एलिमेंट्स हैं मतलब जो पूरा पूरा टपल है उसको हम डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिया डेल माय अंडरस्कोर टपल, तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये पूरी टपल को डिलीट कर देगा, लेकिन जब हम इसको अब टपल डिलीट हो गया है अब इसके बाद जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये एरर देगा कि क्योंकि जो टपल है वो डिलीट हो गया, इसलिए इसको ये बता रहा माय अंडरस्कोर टपल इज़ नॉट डिफाइंड। नाउ सी इन पाइथन सेल, एक टपल ले लिया हमने माय अंडरस्कोर टपल और उसके जो आइटम है वो पास कर दिए हमने, इसको प्रिंट करके देखते हैं माय अंडरस्कोर टपल, ये एलिमेंट डिस्प्ले हो गया। अब हम इसमें जो एलिमेंट उसको डिलीट करते हैं डेल माय अंडरस्कोर टपल और यहाँ पे पास कर दें इंडेक्स एलिमेंट हमने पास कर दिया सपोज 3, तो ये एरर देगा क्योंकि जो इसके एलिमेंट है वो इम्यूटेबल है टपल के एलिमेंट। लेकिन जब हमको अगर इसके एलिमेंट को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी टपल को हम डिलीट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पास कर दें माय अंडरस्कोर टपल, इसको पास कर दिया, अब ये हमारा जो टपल है वो डिलीट हो गया। अब देखते हैं इसको, अगर ये टपल डिलीट हो गया होगा तो हमको एरर देगा, तो ये एरर आ गया क्योंकि ये जो माई अंडरस्कोर टपल इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है, मतलब जो टपल है वो डिलीट हो गया। टपल मेथड्स, मेथड्स दैट एड आइटम और रिमूव आइटम आर नॉट अवेलेबल विद टपल। टपल के अंदर जो हम जो है एलिमेंट को जो ये एलिमेंट या आइटम को ऐड और रिमूव करने के लिए कोई मेथड अवेलेबल नहीं है जिसको कि हम टपल के साथ यूज़ करें, लेकिन हम इसमें दो जो है टू मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं जो इस टपल के साथ में यूज़ होती है। सम एग्जांपल ऑफ पाइथन टपल्स मेथड, कुछ एग्जांपल है जो पाइथन टपल्स मेथड को हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे पास किया माय अंडरस्कोर टपल, यहाँ पे एक टपल के अंदर हमने एलिमेंट्स पास कर दिए, इसमें पास किया माय अंडरस्कोर टपल डॉट काउंट, तो ये काउंट मेथड यूज़ होगी, इसमें हमने पास कर दिया पी, तो पी जितनी बार रिपीट होगा वो उसको डिस्प्ले कर देगा। फिर दूसरी मेथड यूज़ करते हैं हम इंडेक्स, जैसे यहाँ पे पास किया प्रिंट अंडरस्कोर टपल डॉट इंडेक्स, यहाँ पे हमने पास कर दिया है एल को पास किया, तो इसकी जो भी इंडेक्स वैल्यू होगी वो उसको डिस्प्ले कर देगा, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। नाउ सी इन पाइथन सेल, एक टपल ले लेते हैं
टपल एलिमेंट पास कर दिए, इसमें हमने एलिमेंट पास किए। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं, माई अंडर स्कोर टपल। हम इसके साथ मेथड यूज़ करेंगे हम माई अंडर स्कोर टपल, और यहाँ पे हम डॉट काउंट मेथड पास कर देते हैं। काउंट इसमें जैसे हम पास किया पी पास कर दिए, तो ये जितनी बार पी इसमें है इस टपल के अंदर उसको काउंट कर लेगा। तो दो बार पी है तो ये टू टाइम्स इसको काउंट कर लिए। फिर एक और मेथड यूज़ करते हैं हम जो होती है इंडेक्स, इसमें पास किया माई अंडर स्कोर टपल डॉट इंडेक्स, इंडेक्स पास कर दिए। अब जैसे मान लो कि इंडेक्स मेरे को फाइंड करना है, ई का इंडेक्स फाइंड करना है, पास कर दिए तो ई का इंडेक्स होगा 4। अदर टपल्स ऑपरेशन, टपल मेंबरशिप टेस्ट। वी कैन टेस्ट इफ एन आइटम एग्जिस्ट इन ए टपल और नॉट यूजिंग कीवर्ड इन। हम टपल के अंदर अगर मान लो कोई एलिमेंट एग्जिस्ट है या नहीं है उसको हम टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने लिया मेंबरशिप टेस्ट इन टपल, तो यहाँ पे ले लिया माई अंडरस्कोर टपल, एक टपल एलिमेंट ले लिया, उसके अंदर हमने टपल एलिमेंट पास कर दिए। अब इन ऑपरेशन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे पास किया प्रिंट, यहाँ पे पास किया सपोज़ ए इन माई टपल, जो हमने ए कैरेक्टर लिया है वो इस टपल के अंदर है या नहीं है उसको चेक करेंगे। तो अगर ये इसके अंदर अवेलेबल होगा, इस टपल के अंदर अवेलेबल होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखते हैं, तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, मतलब वो ये जो है ए इस टपल का एलिमेंट है। फिर अगेन लिया हमने बी, लिया बी इस टपल के अंदर नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो जैसे इसका जो आउटपुट होगा वो फॉल्स रिटर्न होकर आ जाएगा। फिर हमने नॉट ऑपरेशन यूज़ किया, तो यहाँ पास किया प्रिंट जी नॉट इन माई टपल, है ना। तो अगर ये जी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। इटरेटिंग थ्रू ए टपल, टपल के थ्रू हम इटरेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ फॉर लूप टू इटरेट थ्रू ईच आइटम इन ए टपल। हम जो फॉर लूप के जैसे भी जो है टपल को हम इटरेट कर सकते हैं, जैसे हम फॉर लूप के अंदर इटरेशन यूज़ करते हैं वैसे हम टपल आइटम को भी कर सकते हैं। यूजिंग ए फॉर लूप इटरेशन थ्रू द ए टपल, जैसे यहाँ पे फोर पास किया, फोर यहाँ पे पास कर दिया नेम, यहाँ पे नेम लिया और उसमें हमने टपल की वैल्यूज पास कर दी, एक टपल लिया। फिर हमने उसके साथ में पास किया प्रिंट हेलो, देन उसके साथ में पास कर दिया नेम। तो जो इसका आउटपुट डिस्प्ले होगा वो इस तरह से हम इसको फॉर लूप के जैसे भी उसको इटरेट कर सकते हैं या रिपीट कर सकते हैं। नाउ सी इन पाइथन सेल टपल मेंबरशिप टेस्ट देखते हैं हम। तो एक टपल ले लिया हमने, टपल डिफाइन कर दिया, उसको प्रिंट करके देखते हैं माई अंडर स्कोर टपल, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। अब इसमें पास करेंगे हम, सपोज हमको चेक करना है प्रिंट, यहाँ पे पास कर दें ए। अब इसमें यूज़ करेंगे हम इन ऑपरेटर का, इन जो मेंबरशिप टेस्ट के लिए जिसका यूज़ करते हैं इन कीवर्ड का। देन ये पास करेंगे माई अंडर स्कोर टपल, तो दिस इज़ ट्रू, मतलब ये जो है ए इसके अंदर अवेलेबल है, इस टपल के अंदर अवेलेबल है। फिर अगेन ले लेते हैं प्रिंट, यहाँ पास किया हमने बी इन माई अंडर स्कोर टपल, ओके ये फॉल्स देगा क्योंकि बी इसका मेंबर नहीं है यार, इस टपल के अंदर अवेलेबल नहीं है। फिर अब हम नॉट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, नॉट कीवर्ड का, तो इसमें हम लेते हैं प्रिंट, इसमें पास कर दिया हमने सपोज यहाँ पे एलिमेंट पास कर दिया जी नॉट
इन माई अंडरस्कोर टपल, तो ये ट्रू आ गया क्योंकि जी इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, इसलिए कंडीशन ट्रू हो गई है। ओके, इटरेटिंग थ्रू ए टपल, जो है टपल को हम फॉर लूप के साथ कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया फोर नेम इन, यहाँ पे टपल पास कर दिया हमने, जैसे टपल पास कर दिया एक हमने पास कर दिया कुणाल, और दूसरा लेते हैं राजेंद्र। देन यहाँ पे फॉर लूप के जैसे इसमें कॉलन लगाएंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे, प्रिंट यहाँ पे पास कर दिया हमने हेलो, देन पास कर दिया नेम। अब इससे बाहर आएंगे तो ये इसको प्रिंट कर देगा, ये फॉर लूप के जैसे इसने इसकी जो वैल्यू है उसको इटरेशन फॉर्म में या इसको रिपीट करते हुए उसको डिस्प्ले कर दिया। एडवांटेज ऑफ टपल ओवर लिस्ट, टपल आर क्विट सिमिलर टू लिस्ट, बोथ ऑफ देम आर यूज इन सिमिलर सिचुएशन। टपल लिस्ट के समान ही होती है और दोनों का यूज़ हम किसी उसके जो समान सिचुएशन में इसका यूज़ करते हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन एडवांटेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए टपल ओवर ए लिस्ट, इसलिए इसके कुछ बहुत सारे एडवांटेज हैं जब हम टपल और के साथ में हम लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बिलो लिस्टेड आर सम ऑफ द मेन एडवांटेज, इसके जो कुछ मेन एडवांटेज हैं वो लिस्ट जो लिस्ट में दिए हैं। वी जनरली यूज टपल फॉर हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप एंड लिस्ट फॉर होमोजीनियस मीन्स सिमिलर डेटा टाइप। हम जनरली जो टपल है उसको हेट्रोजीनियस ये मीन्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए यूज़ करते हैं, और लिस्ट के अंदर हम होमोजीनियस मीन्स सिमिलर डेटा टाइप्स के लिए इसका यूज़ करते हैं। टपल्स आर इमिटेबल, इटरेटिंग थ्रू ए टपल इज फास्टर देन विथ लिस्ट, सो देयर इज ए स्लाइट परफॉर्मेंस बूस्ट। जो टपल है वो इमिटेबल होता है जब हम इटरेटिंग यूज़ करते हैं या इसको फॉर लूप के साथ यूज़ करते हैं या जो इसकी जो कंडीशन इटरेबल वाली कंडीशन के साथ में यूज़ करते हैं, तो जो टपल होता है वो लिस्ट से फास्टर होता है। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इससे जो है जो कुछ जो प्रोग्राम का जो है कुछ परफॉर्मेंस से बूस्ट हो जाता है या जो भी प्रोसेसिंग होती है वो बूस्ट हो जाती है। टपल दैट्स कंटेन इम्यूटेबल एलिमेंट्स कैन बी यूज एज ए की फॉर डिक्शनरी, विथ लिस्ट दिस इज नॉट पॉसिबल। टपल के अंदर जो भी एलिमेंट है वो इम्यूटेबल होते हैं, इसलिए हम इसको की तरह भी डिक्शनरी में यूज़ कर सकते हैं जो, और लेकिन ये लिस्ट के साथ ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि लिस्ट के जो एलिमेंट होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं। इफ़ यू हैव डेटा दैट डज नॉट चेंज, इम्प्लीमेंटिंग इट एज अ टपल विल बी गारंटी दैट इट रिमेन राइट प्रोटेक्टेड। अगर कोई हमारे पास डेटा है तो उसको जब हम टपल के साथ यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए टपल के साथ ये गारंटी मिलती है कि जो हमारा डेटा होता है वो राइट प्रोटेक्टेड मोड में होता है। हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट जरूर दीजिए, साथ ही आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे ब्लॉग साइट पर विजिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।